वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड करा रही हूँ, जिसमें हम यूनिट फिफ्थ कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अकोस्टिक इम्पीडेंस, ध्वनिक प्रतिबाधा के बारे में पढ़ा था। उसी से संबंधित आज हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड एट अ बाउंड्री, किसी सीमा पर परावर्तित और पारगमन, ध्वनि का जो परावर्तन और पारगमन है उसका हम अध्ययन करेंगे। और इसके अंदर हम बिल्कुल वैसे जैसे हम फ्रेनल्स रिलेशन में रिफ्रैक्शन पैरामीटर और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वगैरह, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालते थे, वैसे ही हम इसके अंदर ध्वनि से संबंधित पैरामीटर्स निकालेंगे। एक तो वेव वेलोसिटी का रेशो और एक हम एक्सेस ऑफ प्रेशर या प्रेशर एम्पलीट्यूड का रेशो निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बाउंड्री ले लेते हैं एक्स बराबर जीरो पर। दो माध्यम हमने ले लिए हैं, नंबर वन और टू। यहाँ से हमारी ध्वनि तरंग आती है, आपतित होती है, उसका कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ हिस्सा पारगमित हो जाता है। हमने ये माना है कि जो ध्वनि आ रही है वो पॉजिटिव एक्स दिशा में आ रही है। अच्छा, जो पहला हमारा जो माध्यम है उसकी जो घनत्व है वो रो वन है, दूसरे माध्यम का घनत्व रो टू है, और जो ध्वनि का वेग है वो प्रथम माध्यम में वी वन है और दूसरे माध्यम में वी टू है। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हमने कल जो इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि ध्वनिक प्रतिबाधा जो है वो जेड बराबर रो वी हमने कैलकुलेट करी थी। उस हिसाब से प्रथम जो आपका माध्यम है उसके अंदर जो ध्वनिक प्रतिबाधा का मान है वो क्या हो जाएगा, रो वन वी वन, उसको हम जेड वन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने ये अज्यूम करा कि कोई एक समतल ध्वनि तरंग आ रही है, धनात्मक दिशा से आ रही है, और उसकी ध्वनिक प्रतिबाधा जो माध्यम में लग रही है वो जेड वन है। अब हम ये मानते हैं कि ये जो ध्वनि है वो इस तल पर आकर गिरती है और ये अनंत लंबाई का है, तो इसमें इसके बाद वो पारगमित होकर दूसरे माध्यम में जाती है, जहां उसके ध्वनिक प्रतिबाधा का मान उसको जो दिखाई देता है वो होता है जेड टू बराबर रो टू वी टू। ये चीजें हमने अज्यूम कर ली। अब हम वगैरह को, क्योंकि रेशो निकालना है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के केस में, तो हम अलग अलग डेफिनेशन देंगे। सबसे पहले हम आयाम को परिभाषित करते हैं। माना ए आई, ए आर और ए टी जो है वो आपतित, परावर्तित और पारगमित तरंगों के आयाम है, ठीक है। और अगर हम ये आयाम है तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों तरंगों की तरंग समीकरण लिख सकते हैं या विस्थापन समीकरण लिख सकते हैं। हमें पता है विस्थापन समीकरण कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस x बाई वी से दी जाती है। अब हम इसके को अलग अलग आपतित यानी इंसिडेंट वेव के लिए अगर लिखेंगे तो वाई आई लिख देंगे, ए आई क्योंकि हमने आयाम मान लिया, और साइन ओमेगा वही रहेगी, टी माइनस एक्स अपॉन वी वन आ जाएगा क्योंकि प्रथम माध्यम में है। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड के लिए यहाँ वाई आर लिखेंगे, आयाम ए आर लिखेंगे और वेलोसिटी वी वन ही होगी। और ट्रांसमिटेड के लिए जो पारगमित हो गई है उसके लिए टी लिखेंगे, ए टी लिखेंगे और यहाँ वेलोसिटी वी टू आ जाएगी। ये हमने विस्थापन समीकरण लिख ली। अब हमें पता है कि जब भी कोई ध्वनि तरंग या कोई भी तरंग किसी बाउंड्री से पर आपतित होती है तो बाउंड्री पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए उसे कुछ बाउंड्री कंडीशंस या सीमांत प्रतिबंध संतुष्ट करने जरूरी हैं। तो इस केस में भी सीमांत प्रतिबंध होंगे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सीमांत प्रतिबंध ये है, सीमा एक्स बराबर जीरो के आर पार कण वेग अनवरत होना चाहिए, यानी वेव वेलोसिटी जो है वो हमारी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अब वेव वेलोसिटी कंटिन्यूअस होने के कारण आप का कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है माध्यम एक में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है और माध्यम दो में ट्रांसमिटेड है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स का जो की जो वेलोसिटी है उसका जोड़
ट्रांसमिटेड के बराबर होना चाहिए अगर वो कंटिन्यूस होते हैं। तो डेल वाई बाई डेल टी प्लस डेल वाई बाई डेल आर डेल वाई आर बाई डेल टी इज इक्वल्स टू डेल वाई टी अपॉन डेल टी होना चाहिए। इसको हम समीकरण एक लिख देते हैं। ऐसे ही हमारा सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये है कि जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है सीमा के आर पार वो भी अनवरत होना चाहिए, यानी द एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस द बाउंड्री शुड बी कंटिन्यूअस। तो वो भी हम ठीक पहले के हिसाब से लिख देते हैं, पी आई प्लस पी आर बराबर पी टी। इसको हम समीकरण दो लिख लेते हैं। अब हम सबसे पहले पी आई पी आर और पी टी के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पी आई पी आर और पी टी के मान देखो, हमने प्रेशर जो है वो इससे पहले वाले लेक्चर में प्रेशर का सूत्र हमने पढ़ा था, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये था P बराबर माइनस के डेल वाई बाई डेल एक्स हमने निकाल रखा है। इसी को यूज करते हुए हम पी आई पी आर और पी टी ज्ञात करेंगे। तो पी आई सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं माइनस के वन डेल वाई आई अपॉन डेल एक्स। अब के वन जो है वो हमने पढ़ रखा है कि के वन जो है वो के वन और वी वन में रिलेशन है, वी वन बराबर अंडर रूट ऑफ के वन अपॉन रो वन, है ना। तो उसके हिसाब से हम के वन का मान अगर लगाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमने तरंग समीकरण जो पढ़ रखे, वेव इक्वेशन पढ़ रखे, उसके हिसाब से डेल वाई बाई डेल टी और डेल वाई बाई वाई अपॉन डेल एक्स के बीच में रिलेशन ये होता है। इसको यूज करके हम ये ऊपर वाली जो समीकरण है उसको डेल वाई बाई डेल टी के टर्म्स में ले आते हैं। अब इस सारे को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आता है रो वन वी वन डेल वाई आई अपॉन डेल टी। तो रो वन वी वन क्या है, जेड वन के बराबर है, और ये डेल वाई आई अपॉन डेल टी हो गया। तो ये सबसे पहले हमने निकाला पी आई। अब ये तो है आपतित तरंग, अब परावर्तित तरंग क्या होगी, बिल्कुल इसी प्रकार से निकाली जा सकती है, लेकिन उसमें माइनस साइन आएगा क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की दिशा में चल रही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी आर बराबर माइनस जेड वन डेल वाई आर अपॉन डेल टी, उसके अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा जेड वन का। इसी प्रकार से जो आपके ट्रांसमिटेड या पारगमित तरंग है उसके लिए पी टी जो होगा वो जेड टू डेल वाई टी अपॉन डेल टी आ जाएगा। अब ये तीनों जो मान हमने ज्ञात करे हैं ये हमारी समीकरण दो जो है इसमें हम रख देते हैं। तो इसमें रख दीजिए, इसमें रखने के बाद आपको कुछ ये प्राप्त होता है, ये समीकरण आपको मिल जाती है जिसको मैंने समीकरण तीन लिखा है। अब इस समीकरण तीन की सहायता से हम जो रेशो निकालना चाह रहे थे वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब रेशो निकालने के लिए एक बार तो हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं रिफ्लेक्शन के केस में, और एक बार ट्रांसमिशन के केस में। तो जब ट्रांसमिशन का केस हम करेंगे तो हम रिफ्लेक्शन वाली टर्म को हटाना चाहेंगे, और रिफ्लेक्शन का निकालना चाहते हैं तो हम ट्रांसमिशन वाली टर्म को हटाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, समीकरण तीन के अंदर समीकरण एक से डेल वाई बाई डेल टी डेल वाई टी अपॉन डेल टी का मान रख देती हूँ। समीकरण तीन में देखो ये मैंने रख दिया है यहाँ पे। अब इससे क्या हो गया, डेल वाई टी का मान जो है ये हमारा इलिमिनेट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके डेल वाई आर अपॉन डेल टी होल अपॉन डेल वाई आई अपॉन डेल टी का मान निकाल लेते हैं, वो कुछ ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसमें केवल रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट का कॉम्पोनेंट आ गया। तो इन दोनों का रेशियो आपके पास आ गया समीकरण चार द्वारा, जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू। ठीक इसी प्रकार से अगर आप वही समीकरण एक के अंदर से डेल वाई आर बाय डेल टी का मान रख के उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेल वाई टी अपॉन डेल टी होल अपॉन डेल वाई आई अपॉन डेल टी का मान आ जाता है, जो कि टू जेड वन अपॉन जेड वन प्लस जेड टू के बराबर आता है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, दो रेशो निकाल लिए, एक रिफ्लेक्शन के संदर्भ में और एक ट्रांसमिशन के संदर्भ में। अब ये कहलाते क्या हैं ये रेशो, ये है हमारा समीकरण चार और पांच जो है आंशिक परावर्तित व आंशिक पारगमित कण वेगों का व्यंजक है। इट इज टर्म ऑफ
पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन वेव वेलोसिटीज। तो ये हमने दो व्यंजक ज्ञात कर लिए हैं ध्वनिक प्रतिबाधा के रूप में। दूसरा हम निकाल सकते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर के रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब ये रेशियो हमारा क्या बताते हैं, ये रेशियो वास्तव में हमारे को ये बताते हैं कि टोटल इंसिडेंट लाइट का कितना हिस्सा रिफ्लेक्शन में चला गया और कितना ट्रांसमिशन में चला गया। तो पी आर अपॉन पी आई निकाला है, तो पी आर का फॉर्मूला हमें पता है, पी आई का फॉर्मूला पता है, और डेल वाई आर अपॉन डेल टी, डेल वाई आई अपॉन डेल टी, इसका मान अभी हम ज्ञात कर चुके हैं। उन सभी को रखने से हमारे को समीकरण 6 प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही हम समीकरण 7 के में पी टी अपॉन पी आई ज्ञात कर लेते हैं। अब पी टी अपॉन पी आई और पी आर अपॉन पी आई क्या चीज आ गए, ये दोनों ही समीकरण क्या है, ये हमारा व्यंजक है किसका, ध्वनिक दाब का लिए। किस केस में, एक तो पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन अकोस्टिक प्रेशर के टर्म्स हैं हमारी। तो ये हमने कुछ दोनों टर्म्स निकाल ली रिफ्लेक्शन के केस में और ट्रांसमिशन के केस में। इन सबकी, इनकी स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो साउंड जो प्रोपोगेशन है उसका कितना हिस्सा वापस लौट के आएगा और कितना ट्रांसमिट हो जाएगा। तो उससे अगर हमारे को साउंड को कहीं पर भेजना है तो साउंड एनर्जी में क्या चीज करें जिससे कि वो ज्यादा दूर तक जा सके या वो ज्यादा दूर तक ना जा सके, ये कंडीशंस हम इनकी स्टडी से पता लगा सकते हैं। अब इसमें दो स्पेशल केसेस हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं। पहला केस ये है कि अगर Z1 Z2 के मुकाबले ज्यादा हो, तो Z1 अगर Z2 के मुकाबले ज्यादा है तो समीकरण 4 में आप देखिए, Z1 अगर बड़ा होगा तो Z2 को हम अगर अप्रोक्सीमेटली छोटा मानते हुए छोड़ दें तो हमारी जो वैल्यू है, या अगर हम इसको छोड़े भी ना तो भी ये जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा इस वाले में देखिए इसमें भी पॉजिटिव आएगी, तो इसमें क्या है, तो आपतित और परावर्तित कण वेग कला में होंगे यानी सेम फेज में होंगे, दे विल बी ऑन इन सेम फेज। और अगर दाब का केस देखें तो पी आर अपॉन पी आई, Z1 माइनस Z2 अगर पॉजिटिव है तो पी आर अपॉन पी आई हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपतित तो और परावर्तित दाब जो है वो विपरीत कला में होंगे। अच्छा ऐसे ही सेकंड केस अगर हम ले लेते हैं कि Z1 Z2 से बड़ा है, नहीं Z1 Z2 से छोटा है, तो क्या होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट घटना हो जाएगी। दाब तो है वो सेम फेज में हो जाएंगे और जो वेव वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट फेज में हो जाएंगी। तो इसके हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि मान लो हमारा जो मीडियम है उसका जो अकोस्टिक इम्पिडेंस है, जो साउंड है वो दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो उसका अकोस्टिक इम्पिडेंस पहले वाले के मुकाबले ज्यादा है तो ऐसे इफेक्ट दिखाई देगा, और दूसरा कम है तो इस तरह प्रकार से इफेक्ट दिखाई देगा। इसका हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से सूटेबली वर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इसकी इंटेंसिटी का भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। इंटेंसिटी हमारी वास्तव में तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी की डेफिनेशन है वो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, PM² / 2ρV। पीएम यहाँ पर प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया, आपका दाब आयाम हो गया। अच्छा पीएम मतलब हम एम्पलीट्यूड के केस में हमने एम ले लिया, मैक्सिमम केस ले लिया, तो पी जो है वो -K ∂y/∂x होता है और ∂y/∂x -1/V ∂y/∂t होता है और Z = ρV होता है। इन तीनों चीजों को हमने पहले भी यूज किया है, उनको पुनः यूज करते हुए हम यहाँ पर पीएम का मान 1/1 सॉल्व करेंगे। पहले ∂y/∂x की टर्म में लिख लिया, ठीक है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए ∂y/∂t की टर्म्स में लिया है और ρ² V² को मैंने जेड लिख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब इस इंटेंसिटी के फॉर्मूले से हम इंसिडेंट इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी के मान निकाल सकते हैं और उनके भी हम इंटेंसिटी कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और इंटेंसिटी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट।
पारगमन तीव्रता और परावर्तित तीव्रता गुणांक हम निकाल सकते हैं। तो परावर्तित तीव्रता गुणांक जो है वो तो क्या हो जाएगा, IR/II आ जाएगा, है ना। इसमें इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और IT/II जो है वो हमारा हो जाएगा पारगमन तीव्रता गुणांक, कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशियंट, इंटेंसिटी ट्रांसमिशन कोफिशियंट। तो इसमें सूटेबल वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करके हम इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी स्टडी हमारी जब साउंड प्रोपोगेशन का वो हम कहीं प्रैक्टिकली यूज करते हैं वहाँ पे ये थ्योरी सारी काम में आती है। अब इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो पढ़ लेंगे, वो हमारा है इम्पिडेंस मैचिंग इन ट्रांसड्यूसर। तो हमारे को मालूम है ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले एनर्जी को वो एक्सेप्ट तो करें, तो एनर्जी कोई एक जना प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो प्रोड्यूस करता है उसको जनित्र या सोर्स कहा जाता है, और जो उसको लेता है ग्रहण करता है वो हमारा लोड कहलाता है। तो इसके अंदर अगर आप इसकी इक्वेशन को देखें तो आप पाएंगे कि Z1 अगर Z2 के बराबर हो तो क्या होगा, ये भी जीरो हो जाता है, ये भी जीरो हो जाता है, यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे जीरो हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि Z1 बराबर Z2 हो तो ऊर्जा का कुछ भी अंश परावर्तित नहीं होता एवं प्रतिबाधाओं में परस्पर मेल होता है, यानी इम्पिडेंस मैच करता है। अगर इम्पिडेंस मैच करता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं होता। तो ये आपका एनर्जी जब आप ट्रांसफर कर रहे हो उसमें इसका बड़ा यूज है कि जैसे आपने कोई साउंड एनर्जी भेजी तो उसका रिफ्लेक्शन हम चाहते हैं मिनिमम हो, सारी की सारी एनर्जी आगे प्रोपोगेट कर जाए। उसका लॉसेस को हम रोकने के लिए इस इम्पिडेंस की मैचिंग की स्टडी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जहाँ पर भी हम जॉइंट्स लगाते हैं वहाँ इम्पिडेंस मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं। वैसे भी हमने एक इसमें भी आपने फर्स्ट ईयर में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो कि वो क्या वो प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि मैक्सिमम पावर अधिकतम शक्ति जनित्र से लोड में तब हस्तांतरित होती है जब दोनों का जो इम्पिडेंस है वो मैच करता है, या हम यो कहें कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन देयर इम्पिडेंस मैच टुगेदर। तो वो घटना हम यहाँ पर थ्योरेटिकली देख सकते हैं जो कि आगे हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। अब इसके अंदर एक जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है साउंड रेंजिंग। तो साउंड रेंजिंग यानी देखो साउंड के क्या, जो हमने ये जो रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इसके हमने कुछ उदाहरण भी देखे, उसके जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं उनको भी पढ़ा। दो यूज और हैं जो हम इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या दूरी से हम जा रहे हैं तो साउंड का हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे ध्वनिक साउंड रेंजिंग के अंदर हमारे क्या होता है, जैसे मान लो कहीं लड़ाई के मैदान में युद्ध के समय कोई जो दुश्मन है वो तोप से गोले दाग रहा है, बम विस्फोट हो रहा है, तो वो बम विस्फोट जो हुआ है वो आपसे आपकी जो सेना है उससे कितनी दूरी पर है, वो जो दुश्मन है वो आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, इसका पता लगाने की एक टेक्निक है। उसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम ध्वनि को उससे दूर 3 या अधिक जगहों पर पहुंचने के समय से जाना जा सकता है। हम क्या करते हैं, ध्वनि को हम हमारे जो स्टेशंस बने हुए होते हैं उसमें दो या 3 या 3 से अधिक स्टेशन बने हुए होते हैं, जहाँ पे जब भी कोई बम विस्फोट या कुछ होता है तो उसकी जो साउंड आती है वो कितने समय बाद आई उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और उनका जो साउंड रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग को हम एक सेंट्रल स्टेशन पे भेजते हैं जहाँ उनकी मैचिंग करके हम पता लगा सकते हैं कि जो साउंड है वो हमसे कितनी दूरी पर है, और इसी के आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं कि जो दुश्मन की सेना है वो हमसे कितनी दूर है, हमारी तरफ आ रही है या हमारे से दूर जा रही है, इसका पता लगाया जा सकता है। तो इस टेक्निक में बेसिकली क्या करा जाता है, जो छोटे स्टेशंस जहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है साउंड की
वहाँ पे जो साउंड आती है उस साउंड की सहायता से हम क्या करते हैं, एक हम वो गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, उस साउंड को जब वो प्रोड्यूस करता है तो उससे क्या, साउंड को एक्सेप्ट करता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और सामने एक लाइट रे चल रही होती है जो कि एक मिरर के ऊपर गिरती है। मिरर से टकराने के बाद वो एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके इंसिडेंट होती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट एक ड्रम के ऊपर लिपटा रहता है जो कि मूव करता है। तो जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो साउंड को जैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है तो उससे क्या होता है कि एक करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है उससे जुड़ा हुआ, उसकी जो कॉइल है वो डिफ्लेक्ट होती है। वो डिफ्लेक्शन जो है वो कॉइल से जुड़ा हुआ आपका मिरर होता है, तो मिरर जो होता है वो आपका डिफ्लेक्ट होगा और उसके ऊपर गिरने वाली लाइट रे भी डिफ्लेक्ट होती है। और वो लाइट रे जब डिफ्लेक्ट होती है तो वो एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर गिरती है, तो उस पर वो जो डिफ्लेक्शन है वो नोट हो जाता है। इस प्रकार से अलग-अलग जगह पर रिकॉर्डिंग होती है और ड्रम की जो घूमने की वेलोसिटी है वो हमारे को मालूम होती है। उन दोनों डिस्टेंसेस और उसके जो उसकी वेलोसिटी है उसके आधार पर हम टाइम इंटरवल, जो अलग अलग साउंड के बीच में टाइम इंटरवल है, उसको नोट कर पाते हैं और इसके अंदर हम एग्जैक्ट उसकी स्थितियों का पता लगा सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई एक साउंड है वो ए से पहुंचना शुरू हुई और उसके बाद वो बी पर पहुंची, सी पर पहुंची, अलग अलग टाइम पर पहुंच गई, T2, T3 इस टाइम पर पहुंच गई। तो हम क्या करते हैं, उन सभी स्टेशंस पे जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड वी मानते हुए हम अलग अलग टाइम इंटरवल के एक सर्कल्स बनाते हैं और उन सर्कल्स का जो लोकस है उसके आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं कि कोई भी जो साउंड है वो कितनी दूरी से आ रही है। और बेसिकली हम यो कह सकते हैं कि जो वेव फ्रंट है वो हमारे को हेल्प करती है इसके बारे में अंदाजा लगाने के लिए। लेकिन इन सभी को आजकल तो मैन्युअली, पहले मैन्युअली किया जाता था, लेकिन आजकल क्या है, आपके पास एक एनक्लोज मशीन्स होती है जो डायरेक्टली आपका ये सारी प्रोसेसेस कर देती है और आपको फाइनल रिजल्ट दे देती है कि ये इतना डिस्टेंस आपका कैलकुलेटेड है। उसके लिए एक अप्रोप्रिएट स्केल वगैरह यूज में लिया जाता है और उसी की सहायता से हम उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक चीज और करेंगे, वो है हमारा सोनार प्रणाली, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार ये इसका फुल फॉर्म है। ये मुख्यतः हमारा पनडुब्बियों में यूज किया जाता है, जहां पर हम किसी की उसका पनडुब्बियों का जो डिटेक्शन है उसके लिए हमें प्रयोग में लिया जाता है। और ये समुद्र के अंदर कोई सिग्नल अगर हमारे को भेजना है उसके भेजने के लिए ये सबसे अच्छी प्रणाली है। अब इसका जो सिद्धांत है वो हमारा इको डेप्थ साउंडिंग के समान ही होता है, गूंज गहराई ध्वनि के समान होता है। इसमें क्या होता है कि एक सोर्स होता है जो अल्ट्रासोनिक पल्स जनरेट करता है, वो अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य स्पंद को हम ट्रांसमिट करते हैं एक ट्रांसमीटर की सहायता से। अब वो ट्रांसमीटर जो है, वो ट्रांसमीटर जो है वो और जो वापस लौट के जो आती है ध्वनि, उन दोनों के बीच में लगने वाले जो समय अंतराल है उसको हम नोट कर लेते हैं और उससे हम लक्ष्य की दूरी निर्धारित कर पाते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो ट्रांसमीटर बनाया जाता है उसकी एंगुलर पोजीशन या कोणीय स्थिति को मतलब चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि उसको अलग अलग जगहों पर हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ट्रांसमीटर जो है वो आपको जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसका हमारे को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो साउंड बीम होती है वो हाईली डायरेक्शनल होती है,
साउंड बीम को हम इसलिए यूज करते हैं, लाइट रे जो है वो पानी के अंदर डिस्पर्स या स्कैटर बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन साउंड बीम जो होती है वो डायरेक्शनल होती है, उसकी डायरेक्शन एकदम सीधी जाती है। तो इस कारण से क्या होता है कि पानी के अंदर हमें साउंड, लाइट की बजाय साउंड को यूज करना हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहता है, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जाता है। और इसके अंदर वही सिद्धांत यूज करा जाता है जो हमने अल्ट्रासोनिक वेव से समुद्र की गहराई नापने में किया था। एक डिटेक्टर होता है और एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर उस साउंड को प्रोड्यूस करके भेजता है और वो टकरा के वापस डिटेक्टर पे आती है, और उन दोनों के जो डिफरेंस है उससे हम पता लगा सकते हैं कि इस पूरे एरिया में, विसिनिटी में कोई सबमरीन है या नहीं, या वो हमारी तरफ आ रही है या हमसे दूर जा रही है, इसके बारे में हमारे को सभी ज्ञान प्राप्त हो पाता है। तो इस प्रकार से हमने ये साउंड से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब इसके साथ ही हमारा ये यूनिट 5th जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके अंदर इस साउंड से ही रिलेटेड एक और चैप्टर है, वो है अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, यूनिट 3rd के अंदर, जो हमने पहले छोड़ दिया था वो। अब हम, क्योंकि इसके साउंड के सभी एस्पेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग शुरू करेंगे। धन्यवाद।